हेलो गाइस, माय नेम इज़ भूषण। वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ऐसे पांच रीज़न कि आपको नेक्सोनी क्यों लेनी चाहिए। ऐसे मैं आपको आज इस वीडियो में पांच रीज़न देने वाला हूँ। सो मैं आपको फर्स्ट रीज़न देने वाला हूँ, गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस। अगर हम बात करेंगे हैरियर और सफारी की, तो दोनों में ग्राउंड क्लियरेंस आता है 205 mm का। लेकिन नेक्सोन एक ऐसी SUV है, कॉम्पैक्ट SUV, जिसमें आपको मिलेगा 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। 210 का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा आपको नेक्सोन में। वेन्यू सेल्टोस में भी इतना ग्राउंड क्लियरेंस नहीं आता है जितना इसमें आता है। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर वन। सेकंड पॉइंट का बात करूंगा मैं। यार हम मिडिल क्लास लोग रहते हैं, हमारी एक ही कोशिश होती है सनरूफ। अगर आप नेक्सोन का XMS वाला मॉडल लोगे तो आपको, फिलहाल मैंने जब कार ली थी तब मुझे गिरा था 10,20,000 के करीब। लेकिन अगर आप इस टाइम 12,00,000 के समथिंग आ ही जाता है नेक्सोन का ये वाला मॉडल, आप दूसरी गाड़ी छोड़ के मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप नेक्सोन ही बाय कीजिए, क्योंकि सेकंड आपको सनरूफ भी आ जाता है इस वाले मॉडल में। 10-11 में आपको बेस्ट कार यही मिलेगी जिसमें आपको सनरूफ मिलेगा। सनरूफ आप किसी भी बेस मॉडल में आएगा ही नहीं, या वेन्यू लो या सेल्टोस लो, उसमें आएगा ही नहीं सनरूफ। सेकंड चीज़ हो गया सनरूफ। थर्ड जो मैं आपको मस्ट बोलूँगा कि आपके कार में होनी चाहिए, वो है अपनी कार की बिल्ड क्वालिटी। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि हम वेन्यू ले लेंगे, सेल्टोस ले लेंगे, लेकिन टाटा की ये वाली नेक्सोन जो है उसमें 5-स्टार रेटिंग आपको मिलती है। तो ये हो गई हमारी थर्ड। और चौथी चीज़ मैं आपको अपनी कार में बैठ के ही बताऊंगा। फोर्थ नंबर की जो चीज़ है हमारी, हमें मिलते हैं मोड्स। अब मुझे नहीं लगता है कि 10-11 लाख की कौन सी भी कार में मोड्स आते होंगे, लेकिन हमें नेक्सोन में मोड्स मिल जाते हैं आराम से। आप देख सकते हो स्पोर्ट्स मोड, इको मोड, सिटी मोड, ये तीनों मोड आपको नेक्सोन में मिल जाते हैं। बेस मॉडल में मिलते हैं या नहीं ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन XMS वाला मॉडल अगर आप लेते हो जो 10.5 लाख को मिलता है, तो उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। मैंने सनरूफ का बोला था, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ भी आपको आराम से आ जाएगी इस प्राइस रेंज में। अगर आपका बजट 10-11 लाख तक है तो आपको सनरूफ भी मिल जाएगी। और जो मेरा लास्ट पॉइंट है, 10 लाख की गाड़ी में आपको हील असिस्ट का भी ऑप्शन मिलता है। अब बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि हील असिस्ट काम क्या करता है, तो मैं आपको वो भी समझा के बताता हूँ। ये वाला जो ऑप्शन है, अरे चला गया, जो हील असिस्ट वाला आप जो फंक्शन इसमें आता है, जो हील असिस्ट का जो फंक्शन आता है, मैं आपको सामने जाके या वो उस साइड जाके बताता हूँ कि हील असिस्ट असल में होता क्या है। तो चलिए हम वहाँ चलते हैं। कहूँगा कि हील असिस्ट का काम क्या करता है, तो बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि हील असिस्ट काम क्या करता है। तो हम जाएंगे और मैं आपको प्रैक्टिकल में करके बताऊंगा कि हील असिस्ट, और काफी यूजफुल फीचर है जो इस नेक्सोन में मिलता है हील असिस्ट वाला। तो बहुत से लोग क्या होते हैं, जो बिगनर होते हैं, जो कार नई उनको चलानी आती नहीं है, जो चलाना सीखते हैं, तो क्या होता है अपन ऐसे हील पर आ जाते हैं। तो क्या होता है, अब मैं अपनी गाड़ी न्यूट्रल कर चुका हूँ, मैं अपनी कार, आप देख सकते हो, मैं अब मैंने ब्रेक पर अपने पैर रिलीज करूँगा, तो अब देखना क्या होगा। तो आपने देखा अपनी कार 3 सेकंड तक खुद को होल्ड करके रखती है, तो यही फीचर का यूज होता है हील असिस्ट का। मैं फिर से ब्रेक से पैर हटाऊंगा और 3 सेकंड ही होल्ड करेगी, 1, 2, 3। तो ये काफी यूजफुल फीचर है, ताकि जो बिगनर्स होते हैं उनकी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, ये वाला यूजफुल फीचर है जो आपको तो यही थे कुछ पांच जिसके कारण आप नेक्सोन बाय कर सकते हो। दस लाख की गाड़ी में जो जो बेसिक फीचर्स आपको चाहिए वो सब
नेक्सॉन प्रोवाइड करती है, स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल आ जाता है, लेकिन क्रूज कंट्रोल इस वाले मॉडल में नहीं आता है। बाकी सिक्स गियर में आती है, 1200 सीसी का टर्बो इंजन में अपनी नेक्सॉन आती है। तो यही कुछ थे पांच जिसके कारण आपको गाड़ी लेनी चाहिए, नेक्सॉन ही लेनी चाहिए। यही मैंने आपको पांच रीजंस बताए कि आपको नेक्सॉन ही क्यों लेनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।